कोविड की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा, ये महामारी है। कोविड जब इफेक्ट करता है तो उन्हें देखता कि कांग्रेस वाला है, बीजेपी है, कौन सी जाति का, कौन है धर्म का है। इसलिए उस मर्म को समझ के मैंने राजनीति करी, सबको साथ लेके चल के कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। दुर्भाग्य है कि इनके समझ में नहीं आ रही है बीजेपी वालों के, वो कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं। तब भी मैंने, आपने देखा होगा राष्ट्रीय मीडिया में मैंने जितने इंटरव्यू दिए या आपको दिए, मैंने कभी नहीं कहा इनके बारे में। मैंने हमेशा कहा नहीं, हम सब साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्यों? एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं, पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है। और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी, अब जो 14 के बाद देख रहा हूँ कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है,